दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2023 मॉडल बजाज पल्सर 220F को। ये बाइक E20 पेट्रोल से चलेगी, तो इसमें कौन कौन सी अपडेट हुई हैं, इसकी 2023 में ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम मॉडल और डिज़ाइन की बात करेंगे। फ्रंट में आप देखेंगे इसका जो सिग्नेचर हेडलैम्प है वो इसमें आपको मिलता है, दो पायलट हेडलैम्प और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ पर आपको इसमें हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है। मतलब कुल मिला के इसमें आपको यहाँ पर देखेंगे तो प्रोजेक्टर, यहाँ पर हैलोजन बल्ब और यहाँ पर दो पार्किंग लाइट आपको मिल जाती हैं, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं और इसके साइड व्यू मिरर यहाँ पर लगे हुए हैं। और मडगार्ड पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन फाइबर वाला स्टिकर मिल जाता है इसमें आपको, यहाँ पर रेड कलर के स्टिकर और एलॉय व्हील पर भी रेड कलर के स्टिकर मिलते हैं। और ये है साइड व्यू बजाज पल्सर 220F का। कुछ समय पहले ये डिसकंटिन्यू हुई थी लेकिन पब्लिक डिमांड पर ये बाइक फिर से आई हुई है 2023 में BS6 फेज 2 अपडेट के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पल्सर का 3D लोगो आपको मिल जाता है और वही लेजर एडिशन वाले इसमें आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, कार्बन फाइबर स्टिकर मिलते हैं, यहाँ पर 220F लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टिकर आप देख सकते हैं, स्प्लिट ग्रैब रेल मिलते हैं, स्प्लिट सीट इस बाइक में आपको मिल जाती है और 220cc के हिसाब से इसका साइलेंसर बनाया गया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं आपको साइड रियर व्यू, इसका रियर व्यू दिखाऊं तो आप देखेंगे जो इनका रेगुलर मॉडल आता है वैसे ही पीछे से दिखती है। फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको चारों मिल जाते हैं, 120mm का वाइड टायर आपको मिल जाता है, 120mm का 120/80/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, इसमें आपको RLP प्लेट लगी हुई है, नाइट्रॉक्स सस्पेंसन इसमें आपको मिल जाते हैं। और ये है लेफ्ट साइड से व्यू बजाज पल्सर 220F का। और आप लोग बताएं, इंजन काउल भी इसमें आपको मिल जाता है, इसके कलर करेक्शन कैसे लगे, मतलब कलर और ये आपको कैसा लगा दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दें। इधर मैं आपको दिखा दूं इसके मीटर में, यहाँ हाई बीम लो बीम, पास की, इंडिकेटर की, हॉर्न की, इंजन किल की स्विच और यहाँ पर सेल्फ की स्विच, ऑन करने पर यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये है मीटर, पहले इसमें मीटर अलग था लेकिन अब इसमें मीटर अलग से आ रहा है, मतलब नया आ रहा है। और यहाँ पर ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा, नहीं तो नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको RPM मीटर, यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग, चेक इंजन लाइट, टेम्परेचर और ये ओडोमीटर स्पीड आपको बताएगी, AFE, IFE 2, Trip 1, Trip 2, DTE डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज। और अगर मैं स्विच ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर साइड स्टैंड की लाइट, साइड स्टैंड की ये आपको बताएगा और साथ में सर्विस रिमाइंडर भी बताएगा, लो बैटरी भी इसमें आपको पता चल जाएगी। तो इतने सारे फंक्शन मिलते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर की, यहाँ पर न्यूट्रल की, यहाँ पर हाई बीम, यहाँ पर ABS की लाइट मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप आगे देखेंगे 90/90/17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और आगे अगर आप देखेंगे 280mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। भाई काफ़ी बड़ी सी डिस्क ब्रेक है, सिंगल चैनल ABS ही इसमें आपको मिल जाता है। और इधर अगर आप देखेंगे भाई तो इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है 220cc का, ये देख लें 220cc का ऑयल कूल्ड 2 वाल्व वाला DTSI इंजन मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन वाला, जिसमें आपको 20.4 HP की पावर मिलती है 8500 RPM पर, 18.55 Nm की टॉर्क मिलती है 7000 RPM पर, 5 गियर इस बाइक में है। राहुल भाई बैठ के दिखाएंगे इस पर। 795mm सीट हाइट है इस बाइक की, 1350mm इसका व्हील बेस है और ग्राउंड क्लियरेंस 165mm, वजन 160 किलोग्राम, 15 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया। पैर पहुंच रहे हैं बढ़िया से, अच्छा स्टार्ट करो, ज़रा साउंड सुनाओ। और स्टार्ट होने के बाद आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं, हाई बीम लो बीम करो, ठीक है ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 1,66,000 इस बाइक की और लगभग ऑन रोड प्राइस है, माइलेज है लगभग 40 से 50 के बीच में। पावर के मामले में ये बाइक जानी जाती है, जो लोग जैसे सेमी फेयरिंग वाली बाइक, मतलब हाफ फेयरिंग वाली बाइक चाहते हैं, पावरफुल बाइक चाहते हैं, कम कीमत में चाहते हैं, उनके लिए इस बाइक को बनाया गया है। अब ये बाइक आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको बताना चाहेंगे ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं JPS बजाज लखनऊ टेढ़ी पुलिया उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर बजाज की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं। ये है बजाज पल्सर 220F का 2023 मॉडल। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कोई भी बाइक खरीदें उस पर आप लगाएं हमारा M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रो फाइबर क्लॉथ, जिससे आपकी बाइक स्कूटर कार चमक सके, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग एक बार जरूर जाकर ट्राई करें।
तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।